जैसे रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि एक बार फिर से ग्वार का सितंबर वायदा 10,000 के पार जा चुका है, 4.5% का सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का सितंबर वायदा भी 6230 का हाई लगा चुका है, दोनों के ही अंदर 4.5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। रविंद्र जी आपने पहले ही बता दिया था कि ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी तेजी और देखने को मिल सकती है, कीमतों में अच्छी खासी रैली निकल के सामने आ सकती है, वो हम आज देख भी रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार में एक बार फिर से 11,000 के लेवल्स भी टच होते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी? देखिए ग्वार की बात करें तो ग्वार ऑलरेडी 7 ईयर हाई पे इस टाइम पे मूव कर रही है, क्योंकि लोअर प्रोडक्शन है और डिमांड जो है वो काफी अच्छी है ग्वार के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जितने फंडामेंटल स्ट्रांग है उसके साथ साथ में मैनिपुलेशन भी इसमें देखने को मिल रही है। इसी वजह से मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि अगर इसमें न्यूज थोड़ी भी इसके फंडामेंटल्स को हिलाती है तो हम लोअर सर्किट जरूर देखेंगे, और उसी तरीके का हमने पहले मूव विटनेस भी करा है। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसमें अपसाइड जरूर देख सकते हैं, 10,600-10,700 तक के लेवल अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 9400 के आसपास का इसका सपोर्ट रहेगा ग्वार गम का। जी, तो यानी कि ग्वार में अगर एक जरासी अफवाह भी उठती है तो ग्वार की कीमतें उठती भी नजर आ जाती हैं, वो हम आज देख भी रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं लेकिन इतने भी मजबूत नहीं है जिससे कि ग्वार की कीमतों में इतनी ज़्यादा तेजी देखने को मिले। जैसे ही रविंद्र जी ने बताया कि जितनी ज़्यादा तेजी से इसके अंदर तेजी देखने को मिलती है उतनी तेजी से इसके अंदर गिरावट भी बनती हुई नज़र आती है, तो ग्वार में संभल कर ट्रेड करने की आवश्यकता है।